तो ही गाइज आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसके लिए मैं आ गया हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में। तो लेट्स गो। तो गाइज यहाँ मैंने ले ली है इसकी एंट्री टिकट जिसकी कॉस्ट पड़ गई मुझे 25 रुपए। अब चलते हैं देखते हैं आगे अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो गाइज यहाँ से होती है हमारी एंट्री जंतर मंतर में और फिर हमें सबसे पहले दिख जाती है कुछ दृश्य ऐसा, देख सकते हो अभी लाइट उल्टा पड़ रहा है तो, और इधर देख सकते हो जंतर मंतर की लोकेशन से यहाँ काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ये देख सकते हो आसपास में, और आप यहाँ देख सकते हो ये ऊंची सी दीवार। तो गाइज मैं बता दूं कि ये कोई दीवार नहीं है बल्कि यह एक इंस्ट्रूमेंट है यानी कि यंत्र है, इसे सम्राट यंत्र कहा जाता था जिसको प्राचीन समय देखने के लिए यूज में लिया जाता था। तो गाइज जंतर मंतर में बेसिकली अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं जिसके अलग अलग उपयोग थे और ये भी एक यंत्र है मिश्र यंत्र जिसे कहा जाता है। और आप यहाँ का सर कैंपस देख सकते हो ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा ही कैंपस है बट काफ़ी साइंटिफिक प्लेस है। आप नॉलेज के पर्पज से यहाँ विजिट कर सकते हो और अपने हिस्ट्री के प्राचीन समय में कैसे टाइम देखा जाता था, कैसे सारी सिस्टम थी हुई, वो सब आप यहाँ पर आकर आराम से जान सकते हो और यहाँ का फील ले सकते हो। तो गाइज मैं अब आपको इसका कुछ हिस्ट्री भी बता देता हूँ। जंतर मंतर बनवाया गया था महाराजा जयसिंह सेकंड के द्वारा जिनको सवाई जयसिंह भी कहा जाता था। ये बेसिकली एक प्राचीन समय का टाइम मशीन है जिसके अलग अलग उपयोग थे। इसमें बेसिकली 3 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं यानी कि 3 यंत्र लगे हुए हैं जिसमें से पहला है सम्राट यंत्र। यह सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी हमें देता था। और दूसरा है मिश्र यंत्र। इस यंत्र का काम था यह बताना कि साल में सबसे बड़ा दिन कौन सा रहा और साल का सबसे छोटा सा दिन कौन सा रहा, यानी कि साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कैलकुलेट करके ये हमें बता देता था। और फिर हमारा लास्ट है राम यंत्र जिसको जय प्रकाश यंत्र भी कहा जाता है और ये हमें खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता था यानी कि सेलेस्टियल बॉडी की स्पीड की जानकारी देता था। गाइस जंतर मंतर 5 स्वरों में बनवाया गया था, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में। और ये 1724 से बनना शुरू हुआ था और 1735 में बनकर खत्म हुआ था यानी कि टोटल 11 साल का समय लग गया था। तो गाइज जब मैं आपको सारे यंत्रों को अंदर से और करीब से दिखा देता हूँ तो ये है सम्राट यंत्र और ये है हमारा मिश्र यंत्र। चलते हैं इसके नज़दीक और दिखाता हूँ आपको इसको नज़दीक से, बताता भी हूँ। तो गाइज ये देख सकते हो ये शेप में तो उल्टे हार्ट का शेप का है, मानो कि दिल को उल्टा करके रख दिया गया हो। और इसका काम था बेसिकली कि साल का सबसे बड़ा कौन सा दिन है वो बताना और साल का सबसे छोटा कौन सा दिन है वो बताना, इस काम में ये यूज लिया जाता था। अब चलते हैं देखते हैं आगे और क्या है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये एक कमरा है जिसके अंदर चल के देखते हैं और इस कमरे में चारों साइड गेट है ये देख सकते हो। चलते हैं इसके अंदर, हाँ इधर भी गेट है, इधर भी गेट है, इधर भी चारों साइड गेट है, पता नहीं कमरा बनवाया क्यों गया। और चलते हैं इधर, ये देख सकते हो ये है सम्राट यंत्र, ये उसकी ऊंची दीवार है जिस पर सनलाइट पड़ती थी तो इसके परछाई जमीन पर पड़ता था सनलाइट के अपोजिट, तो पूरे दिन जैसे हमारा घड़ी का नीडल घूमता रहता है उससे इसकी परछाई सनलाइट के अकॉर्डिंग इधर तो चारों साइड घूमती थी तो उसे दिन का समय पता लगता था। यहाँ देख सकते हो इसके अंदर जाने का भी रास्ता है इधर से। और चलते हैं आगे, ये हमारा सम्राट यंत्र था और वह सामने देख रहे हो गोल गोल, ये था सम्राट यंत्र, इसकी ऊंची दीवार देख सकते हो यहाँ पे, और ये लोकेशन देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। और गाइज ये है हमारा राम यंत्र जिसमें कि इतनी सारी खिड़कियाँ हैं आप देख पा रहे होगे इधर, ये था सम्राट यंत्र और ये है हमारा तीसरा यंत्र राम यंत्र, इसमें देख सकते हो कितनी सारी विंडोज हैं। और ये बेसिकली यूज होता था कि खगोलीय पिंडों की गति के बताने के काम में आता था यानी कि सेलेस्टियल बॉडी की स्पीड मेजरमेंट में ये काम आता था। ये देख सकते हो इसके अंदर की मैकेनिज्म काफ़ी मेहनत करी गई है और इससे हमारा एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज लिया जाता था ये देख सकते हो। और यहाँ से सीढ़ी भी है इसके अंदर जाने का जो कि फ़िलहाल तो बंद है, हमें अलाउ नहीं किया गया अंदर जाने के लिए। और इसके आसपास देख सकते हो इसके मैकेनिज्म मतलब काफ़ी मेहनत से बनाई गई है, उस समय काफ़ी साइंटिफिक दिमाग लगा के बनाया गया था जो कि यहीं से सारा खगोलीय पिंडों की स्पीड तक मेजर कर लेता था जो कि उस टाइम की काफ़ी बड़ी बात थी। और यंत्र भी देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं, ये था हमारा राम यंत्र और फिर इसके बगल में ये है सम्राट यंत्र जिसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये सम्राट यंत्र और उधर उल्टे हट शेप का हमारा मिश्र यंत्र ये देख सकते हो आप, काफ़ी दूर है दिख रहा है थोड़ा सा जूम करके,
तो ये थी हमारे तीनों यंत्र यहाँ से, और इसका कैंपस देख सकते हो काफ़ी छोटा है, और इधर बगल से रोड गया हुआ है देख सकते हो यहाँ पे। तो यह था हमारा जंतर मंतर और यहाँ पर ये तीनों यंत्र। तो गाइज अब मैं आपको इसका लोकेशन बता देता हूँ। तो ये है हमारे दिल्ली के सीपी में यानी कि कनॉट प्लेस, और इसकी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है राजीव चौक और साथ में पालिका बाजार, ये दोनों अप्रॉक्स 500 मीटर के अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप आराम से इसके पास आ सकते हो, और इसकी एंट्री प्राइस है 25 रुपये, और ये देख सकते हो इसके अंदर का नज़ारा एंड फील दिस सिनेरियो। गाइज अब मैं आपको संवाद यंत्र के अंदर ले जाता हूँ और इसे नज़दीक से दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर स्टेप्स बने हुए हैं जहाँ से हमें नीचे जाना होगा, और यहाँ देख सकते हो ये ऊंची सी दीवार यहाँ पे है, और इस साइड भी स्टेप्स वगैरह हैं, कुछ उस टाइम का टेक्नोलॉजी है शायद। ये देख सकते हो कितना टेक्नोलॉजी का यूज उपयोग किया जाता था हमारे पुराने टाइम पर, ये देख सकते हो। और इन स्टेप्स पर देख सकते हो बने हुए इस दीवार पर जहाँ की जाना अलाउ नहीं है, बट ये बर्ड्स देख सकते हो ये लोग जा सकते हैं, इंसान नहीं जा सकता, बस ये बर्ड्स जा सकते हैं। ये देख सकते हो मस्त नज़ारा। और इसके आसपास भी आपको दिखा दूं तो इसके अंदर एक भूल भुलैया भी है जहाँ के अभी जाना बंद कर दिया गया, ये देख सकते हो ये इसके अंदर से भूल भुलैया है जहाँ हमें जाना अभी अलाउ नहीं है। और यहाँ पर भी एक कमरा है जहाँ ताला लगा हुआ है, ये काफ़ी खौफनाक कमरा है ये देख सकते हो। और इधर से कुछ दिखता है पूरा काला काला ब्लैक, और ये है राम यंत्र के अंदर जाने का रास्ता, ये भी बंद है यहाँ भी अलाउ नहीं है। तो गाइज यहीं पर समाप्त होती है हमारी आज की ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताएं ब्लॉग कैसी लगी। थैंक यू।